अस्सलामुअलैकुम जी क्लास। अच्छा, तो कल हमने बात की थी फैक्टराइजेशन के हवाले से, जिसमें हमने टाइप डिस्कस किया था के ए प्लस के बी प्लस के सी। ठीक है। अच्छा, अब हम सेकंड टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारा टाइप है दो ही सिचुएशन के अंदर है वो हमारे पास। ठीक है। आज जो हम टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, आज इस टाइप के हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। अब आपको ये ऑलरेडी याद है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के, या आपको कहे कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो भी आप बता सकते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो लास्ट टाइम हमने ये कहा था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर के मुताबिक कोई भी आपके पास अलजबरी का एक्सप्रेशन आ जाए, यानी कि अगर दो डिफरेंट नंबर का अगर होल स्क्वायर, तो आप किस तरह ऑपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह अब आपको कह रहा है कि अगर इस फॉर्म में गिवन हो, तो एक चीज़ याद रखें, सबसे पहले ये तो आपका होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये आपका होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। इस लाइन को इग्नोर कर दें, पहले मैंने लगाई थी। ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। और इसको कहते हैं कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, कि जब एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो वो कंप्लीटिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखें, इसमें आप 8.9 में नंबर फर्स्ट है। ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। आप सोच रहे होंगे ये तो हमने पहले भी काम किया है। बिल्कुल, अलजबरी का आइडेंटिटीज़ के अंदर हमने ये काम किया था कि इस फॉर्म में हो तो स्क्वायर किस तरह ओपन करते हैं। ठीक है। अब आपको कह रहा है कि अगर इस फॉर्म में गिवन हो, इस फॉर्म में गिवन हो परफेक्ट स्क्वायर में, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के फैक्टराइज किस तरह करते हैं, तो ये चीज़ समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन कौन सा लगेगा, ये फर्स्ट वाला लगेगा या सेकंड वाला। तो फर्स्ट आप ये देखें, अगर प्लस है तीनों में तो प्लस ही लगेगा, अगर माइनस है फर्स्ट में, यानी फर्स्ट टर्म के बाद माइनस है, तो वो माइनस वाला अप्लाई होगा। अब प्लस है तो ये प्लस वाला अप्लाई होगा हमारे पास। ठीक है। चलें, अब फर्स्ट का स्क्वायर आपने बनाना है एक्स का स्क्वायर और लास्ट का स्क्वायर, यानी कि 36 का स्क्वायर क्या होता है, 6 स्क्वायर। अब ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, आपने फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर बना दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपको मिल गई वैल्यू ए स्क्वायर की, कंपेयर करें, और ये वैल्यू मिल गई आपको बी स्क्वायर की, कंपेयर करें। बीच में क्या बनाना है, टू ए बी। ठीक है। अब साइन कौन सा आएगा, प्लस का। अब यहाँ से पता चलेगा प्लस है तो प्लस, टू फार्मूले का, ए की वैल्यू क्या आपके पास एक्स और बी की वैल्यू क्या आपके पास सिक्स। ठीक है। तो ये आपका हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस सिक्स होल स्क्वायर। अब ये तो होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर फैक्टराइज किस तरह करेंगे, इनको अलग अलग लिखें आप। अलग अलग का मतलब है कि अब आप देखें ना, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है। तो एक्स मल्टीपल एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि सेम बेस पावर ऐड होती है, यहाँ पर भी पावर टू थी। जितनी पावर होती है उसका मतलब ये होता है ना कि ये उतने ही सेम बेस हैं। ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। इसी तरह नंबर टू देख लें, ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फोर, टू को टच करते हैं, ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फोर। ठीक है।
तो फर्स्ट आपने क्या करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके स्क्वायर बनाएं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में चेंज करें। तो ये टू स्क्वायर लिखेंगे, बीच में टू फार्मूले का, ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू टू, तो टू टू द फोर बैलेंस हो गया। तो ये होगा ए प्लस टू होल स्क्वायर, ए प्लस टू होल स्क्वायर, तो ए प्लस टू इंटू ए प्लस टू, दैट्स आंसर। ठीक है, अब जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, थर्ड वाला देखें, फोर ए स्क्वायर, तो फोर ए का ए स्क्वायर क्या बनेगा, फोर का टू और ए का ए स्क्वायर, तो टू ए होल स्क्वायर, नाइन का थ्री होल स्क्वायर, तो टू ए स्क्वायर, नाइन थ्री थ्री ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब ट्वाइस बनाएंगे, तो टू ए ए की वैल्यू और थ्री नाइन यानी बी की वैल्यू, तो कितना होगा, ट्वेल्व। इसी तरह ये भी आप कर पाएंगे। ठीक है, थ्री फोर सेम है तो एक में करा देता हूँ, नंबर फोर करते हैं। ठीक है, फोर में कह रहा है कि नाइन एक्स स्क्वायर 42xy 49y स्क्वायर। ठीक है, अब 9 का भी परिणाम है और x का भी, तो 3x होल स्क्वायर बनेगा, 9 का 3 स्क्वायर और यहाँ पर 7 49 का और y होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस टू फार्मूले का, a की वैल्यू 3x जो यहाँ पे होगी वो a की वैल्यू और 7y b की वैल्यू। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 3x प्लस 7y होल स्क्वायर। अब इसके दो फैक्टर्स बनाने, 3x प्लस 7y और 3x प्लस 7y, हो गए दोनों। अब एक और हम करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, जो यहाँ पर देखें कौन सा है फ्रैक्शन में, 7 भी है 8 भी है, माइनस रख करते हैं। ठीक है, नंबर 8 एट में कह रहे 144 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ओवर 36। तो 144 का स्क्वायर क्या होता है, यानी किस नंबर को हम स्क्वायर करें, 144 है तो 12 एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पर 1/6 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पर ये फॉर्मेट लगेगा, माइनस वाला टू फार्मूले का, एक वैल्यू 12 एक्स, बी की वैल्यू 1/6। अब ये टू 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 थ्री द सिक्स, थ्री टाइम थ्री 12 फोर। ठीक है, यानी फोर थ्री द 12। अब आपका क्या बन गया, 12x माइनस 1/6 होल स्क्वायर। तो इसको अलग अलग लिखेंगे हम, 12x माइनस 1/6 और 12x माइनस 1/6, दोनों माइनस पावर स्क्वायर, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, a प्लस बी a माइनस बी दोनों, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों फॉर्मेट हो गए। ठीक है, तो अब अगला जो हमारा होगा वो इस स्क्वायर के मुताबिक होगा।